डे वन ऑफ 365 डेज चैलेंज, ईटिंग हेल्दी, आज से जिम ज्वाइन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा शुरू में, सो बेसिकली ये मेरा 365 डेज का चैलेंज है, अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशन देने का, ट्रांसफॉर्म करने का। कुछ कुछ हेल्दी, कभी कभी थोड़ा थोड़ा अनहेल्दी खा रहा हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मील्स मेरे हेल्दी हों। सो अभी मैं ये बर्गर के बंस घर पे पड़े हुए थे, सो इस बर्गर में सैलड और ये सलामी सॉसेज इसमें है। ब्रेकफास्ट में भी मैं ये खा रहा हूँ, तो दोपहर को मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोया खा रहा हूँ। इसके साथ कोई चपाती नहीं लूँगा मैं, कुछ भी नहीं। सो बाकी व्लॉग हम कंटिन्यू रखेंगे, अभी ये सिर्फ दिखाने के लिए था। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बर्गर बन, इसके अंदर थोड़ी सी सलामी, सॉसेज और चीज़ स्लाइस और बाकी सैलड जो मैंने डाली, और साथ में मैंने लिए बीन्स। ये इंग्लिश बीन्स है वैसे तो, यार लोबिया कहते हैं इसको। आटा खाने की आदत काफ़ी ज़्यादा हुई पड़ी है, लेकिन धीरे धीरे करके कम हो रही है। सो कभी कभी क्रेविंग्स में भी हेल्दी हल्का सा। हाँ जी, तो क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और बहुत बहुत टाइम बाद ये मैं व्लॉगिंग वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार 3 महीने मैं दिल्ली में था, और उसके बाद जब यहाँ पर आया तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला और कंटेंट भी नहीं था मेरे पास। लेकिन अब मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने पिछले एक हफ्ते से ट्राई करा कि मैं कर पाता हूँ या नहीं, या मुझे रेगुलर अपने आप को लग रहा है, तो ये मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बेसिकली बात सारी ये है कि आज से एक हफ्ता ऑलरेडी पहले मैंने कुछ प्लान्स बनाए अपने अगले 365 डेज के लिए, यानी पूरा एक साल के लिए मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, चाहे वो किसी भी एंगल में हो। वेट लूज तो करना ही करना है, फिटनेस पे ध्यान देना है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपको पता लगती रहेंगी। तो अभी तो जैसे सुबह आपने देखा कि नाश्ते में जो भी था, कार्ब्स बहुत ज़्यादा मेरे हो गए हैं, और आदत भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, उसके बिना भूख पूरा दिन लगती रहती है। तो इसीलिए मैंने सुबह बर्गर के पास ले लिए, लेकिन अभी कोई आटा नहीं, सिर्फ सब्जी सोयाबीन की एक हल्की सी बाउल में लेकर फिर हम खाना खाएंगे। और उसके बाद मुझे जाना है ड्राइविंग क्लास के लिए, आज रजिस्ट्रेशन करवानी है। अभी जाएंगे और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कितने चार्जेस हैं उसके, और कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसीजर है, आपको ए टू जेड सब कुछ बताऊँगा। और जो यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स हैं ड्राइविंग के, बट मैं एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ऑप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि घर के पास में वही है, बाकी सारे काफ़ी दूर दूर हैं इसीलिए। सो स्टे ट्यून्ड, कोशिश यही रहेगी कि आने वाले पूरे 365 डेज तक हर रोज़ व्लॉग डालेंगे, और कोशिश करेंगे पूरी पूरी। मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद रास्ते में और ड्राइविंग इंस्टीट्यूट पे। टाटा। सो ये मैंने थोड़ी सी सोयाबीन ली है, ग्रेवी, और साथ में मैंने सैलड मिक्स करी अपने लिए। चलो चलते हैं ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की तरफ। सो हम जा रहे हैं अभी एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की तरफ। धूप तेज है, पता नहीं फोन गर्म ना हो जाए। अभी तो छांव में चल रहा हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी धूप है, थोड़ी छाँव है, बीच रास्ते में से जा रहा हूँ मैं। सो भाई फाइनली मैंने बातचीत कर ली है, दो ड्राइविंग स्कूल से मैंने बातचीत करी है, एक है गलाधारी या गलाधारी जो भी है, और एक है एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम सर्विसेज के चार्जेस हैं, बेनिफिट्स हैं, लाइक पैसा दे
पैसा फेंक तमाशा देख, वही वाला हिसाब है यहाँ पे। लेकिन रिश्वत नहीं है यहाँ पे, मतलब लाइक ये रिश्वत वाला सीन नहीं है, बस यहाँ पे प्रीमियम सर्विसेज के चार्जेस आपके। घर जाकर आपको ए टू जेड सब कुछ बताऊँगा, कैमरा रख के बढ़िया तरीके से। मुझे वहाँ पे रिकॉल भी करना है कि मैंने क्या क्या देखा है, और साइड में थोड़ा मैं डाल दूंगा अगर जगह हुई तो। सो चलिए घर पे मिलते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया अब। धूप चढ़ रही है बट ठीक है। यस गाइस, सो बात सर एक्चुअली ये है कि मैंने दो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से पूछा, एक था कलादारी और एक एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे बेसिकली ना पैकेज बनते हैं ड्राइविंग क्लासेस के, अब बाकी देशों को मुझे पता नहीं है। मैं दुबई आया तो मैं आपको सिर्फ दुबई का बताऊँगा, इंडिया का हमको पता है कि एक ही बारी में लाइक खुद ही ड्राइविंग क्लासेस ले लो आप, इंस्टीट्यूट आपका अलग होता है, हर कोई अलग होता है। यहाँ पे सीन सारा ये है कि गिनती के 5-6 स्कूल्स हैं, वही आपको सिखाएंगे, वही आपको आगे टेस्ट पे लेकर जाएंगे, और लाइक वही आपको सब कुछ गाइड करते हैं। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ गलादारी से पूछा और एमिरेट से पूछा। गलादारी वाला ने मुझे जो पैकेज की डिटेल्स दी है वो ये थी 3,121, जिसमें आपकी सारी फीस इंक्लूडेड है, RTA टेस्ट की, उनकी क्लासेस की। मेरा 10 साल पुराना लाइसेंस है इंडिया का, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ 10 घंटे की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो मतलब ऐसा सीन होता है यहाँ पे कि अगर आपका 5 साल पुराना लाइसेंस है तो 15 घंटे की, और आपका न्यू लाइसेंस है तो 20 घंटे की क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी। तो जैसे कि अभी मुझे सिर्फ 10 घंटे की क्लासेस लेनी है, तो और उसके अलावा जो टेस्ट वगैरह RTA वगैरह के देने हैं, तो यहाँ पे बेसिकली पार्किंग टेस्ट होता है, RTA टेस्ट होता है, थियोरी टेस्ट होता है, RTA का जो फाइनल रोड टेस्ट होता है। तो बेसिकली 3 टेस्ट हैं यहाँ पे, किसी में अगर फेल हुए उसकी फीस आपको वापस भरनी है। अब सेकंड पैकेज ये उसके लिए आता है, और जैसे कि अगर आपने लाइक वो था कुछ 9,000 के आसपास का था, या 9,000 something का था, तो वो है लाइक अनलिमिटेड क्लासेस ले लो, अनलिमिटेड टेस्ट आपके होंगे, अनलिमिटेड ट्रायल्स होंगे आपके, सब कुछ आपका अनलिमिटेड होगा। उसमें आपको बार बार पैसे देने की जरूरत नहीं है, और आपको मतलब जब जब टाइम लगता रहेगा, जितना मर्जी टाइम लगे, लाइक शुरू से लेकर एंड तक वो सिर्फ आपकी एक ही फीस है, और कोई फीस नहीं है। और यहाँ पे मैनुअल के चार्जेस अलग है, ऑटोमेटिक गाड़ी के चार्जेस अलग है। मैनुअल गाड़ी अगर आप चलाते हो, उसका टेस्ट क्लियर करते रहो, तो आप ऑटोमेटिक भी चला सकते हो, बट ऑटोमेटिक के साथ आप मैनुअल नहीं चला सकते। अच्छा, थर्ड मेरे को एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट पे आज ये पता लगा कि अगर उनका भी यही था कि 4,000 पे लाइक आप दे दो, और उसमें अगर टेस्ट फेल हुआ तो आपको वापस फीस देनी पड़ेगी, सब कुछ ये होगा, और 8,000 पे का था उनका शॉर्ट शॉर्ट एक ही पेमेंट, और उसमें आपको जितनी बारी टेस्ट देना, जितनी बारी जो करना है क्लासेस लेने वो कर लो। अब उसमें एक और मुझे उन्होंने पैकेज का बताया है कि 10,000 दिराम अगर आप उतना पे करते हो तो आपको पार्किंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपका सीधा सीधा फाइनल रोड टेस्ट होगा। तो ये चीज मुझे मतलब काफी हैरानी वाली बात लगी कि आपको पार्किंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए सीधा सीधा रोड टेस्ट होगा, और अगर रोड टेस्ट अगर आपका फेल हो गए तो आपको 4,000 दिराम और ऊपर देने पड़ेंगे वापस रोड टेस्ट लेने के लिए। और जो ये 10,000 दिराम जो गोल्डन पैकेज की सर्विस है, इसमें मुझे लेक्सस गाड़ी मिलेगी ड्राइव करने के लिए। बाकी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं, जैसे 3,000 वाले में, 8,000 वाले में नॉर्मल गाड़ियां हैं, जो ये 10,000 वाला पैकेज है इसमें लेक्सस गाड़ी मिल रही है। अतः हाँ, इसमें टाइम बहुत कम लग रहा है, लाइक ये डेट्स काफी जल्दी जल्दी मिल रही हैं इसमें मुझे टेस्ट वगैरह की। तो ये कह रहे हैं कि 4 हफ्ते में आपको 1 महीने के अंदर लाइसेंस बन जाएगा, और बाकी में अगर आप कह रहे हैं कि आपको 3-4 महीने में बनेगा। अब मैंने अपने फ्रेंड से भी बात करी है जो यहाँ पे रहता है, लेट्स सी। अभी बाकी तो यही पता लगा मुझे यहाँ पे, कल संडे है, कल थोड़ी बहुत यूट्यूब पे रिसर्च करेंगे, और जैसे जैसे जो जो मुझे रिसर्च पता चलती रहेगी मैं बताता रहूँगा। अभी टाइम है जिम जाने का, सो आई एम गोइंग टू जिम। जिम में अगर हुआ तो वीडियो बना लेंगे, तो आपसे बाद में बात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। सो फाइनली जिम से आने के बाद अगला आपको व्लॉग में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि मैं कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाला हूँ, और ये 10,000 दिराम वाला क्या सीन है इसका। और डिनर रात को यार थोड़ा सोयाबीन था, दोपहर का वही खाऊंगा, और उसके अलावा देखता हूँ साथ में कुछ खाना है, लेकिन कार्ब्स रोटी बिल्कुल भी नहीं खानी मैंने। सो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।
ईट हेल्दी, टाटा बाय बाय।